नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य रंजन शास्त्री पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी, और ब्रह्मचारिणी का स्वरूप यह हमें दर्शाता है कि जीवन में संयम कैसे रहना चाहिए व्यक्ति को। माँ ब्रह्मचारी सबके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करे। आज माँ के स्वरूप को दर्शन कर तो ये जीवन में हर प्रकार के संयम होने के लिए प्रयास करे। माँ को आज क्या चढ़ाना चाहिए, और शैल पुत्र के बाद द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी के पूजन हम किस दिन कर रहे हैं? सोमवार, भगवान शंकर का दिन ब्रह्मचारिणी के दिन, और साथ साथ में सोमवार भी है। देखिए, शिव और शिवा, शिव और शिवे दोनों मिलकर के आए हुए ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ को कमल के पुष्प अर्पित करिए, और कमल के पुष्प कृष्ण वर्ण का होना चाहिए। कृष्ण वर्ण का कमल पुष्प अर्पण करने से माँ आपको अशेष असीम कृपा बरसाएगी। आपके घर में किसी प्रकार की कोई संकट हो, बाधा विघ्न हो रही हो, सभी प्रकार के दूर हो जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी शुद्ध ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में सबको दर्शन दे रही है, और माँ को आज पूजन करने का जो दिन है, जो पुष्प चढ़ाने का दिन है, वो कमल पुष्प है। कृष्ण वर्ण का कमल पुष्प चढ़ाने से माँ आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएगी। जिनके ग्रहों सूर्य ग्रह खराब है, जिनकी जन्म पत्री में सूर्य ग्रह खराब है, उन व्यक्ति को लिए सबसे अच्छा माना गया है कि आप सूर्य ग्रह के अनुकूल के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करें, और भोग प्रसाद के लिए माँ को पंचमेवा का प्रसाद मिश्री के साथ में माँ को अर्पण करें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐम ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र को जाप करिए 108 बार। माँ आपके ऊपर अशेष कृपा प्रदान करेगी। जय माता।